हाजी कमाल मुस्तफा। हाजी मुस्तफा जी, मुस्तफा जी बताइए, आप यही बाजार में ही रहते हैं? जी जी। अच्छा, झगड़ा क्यों हुआ? अब झगड़े की वजह बहुत सारी है, अब उसमें मेन वजह ये थी कि उसमें गंदा गाना बजा रहे थे। कौन सा गंदा गाना तुमको नहीं मालूम है? तो मतलब ध्यान सुने नहीं सब उसका मामला, तो गंदा गाना बजा रहा। उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि ये गाना बजाओ, अपना धार्मिक गाना बजाओ। उस पर कुछ लड़के थे उस जगह, तो खाता पाई तो लोगों ने भीड़ जो है लड़के लड़कों को मारा। उसके बाद लड़का था पुलिस वालों से अंदर कर दिया, जब अंदर कर दिया तो ये लोग चढ़ गए घर पे, घर पर तोड़ने लगे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, अंदर मामला बाद में पड़ गया। वो गोली चली किधर से चली ये नहीं मालूम। कोई मतलब किस प्रतिमा के साथ डीजे चल रहा था जिस पर एक कोई कैसेट बज रही थी मक्के मदीने को लेकर के, उसको लेकर के लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद जब वो नहीं माने तो ढीले ईंटे चले, और ढीला ईंटा चलने के बाद भीड़ उग्र हुई और दो तीन लड़के उनके अब्दुल हमीद के छत पे चले। ये जो पूरा झगड़ा हुआ है जी, हिंदू मुसलमान तनाव पहले से ही चल रहा था या हमारे गाँव में कोई तनाव नहीं? ये जो झंडियाँ लग रही हैं हर साल लगती थी या इस बार ज्यादा? नहीं, ये इस साल लगी है। ये कब लगी है? मतलब दंगा होने के बाद या पहले? पहले जब ये दुर्गा पूजा का चल रहा था समारोह का इंतजाम, तभी ये झंडियाँ लगी, झंडी कभी नहीं लगी। अच्छा, इस बार पहली बार हुआ? पहली बार। तो आपको लगता है कि साजिश के तहत हुआ या ऐसे ही? अब बाहर क्या साजिश रही होगी, क्या मसला है ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ बाहर के लोग भी नहीं किया। नहीं, नब्ज तो आपने भी परखा होगा, आप यहीं रहते होंगे? नहीं, यहाँ रहते हैं लेकिन अंदर दिल की बात तो नहीं जान सकते। हाँ। तो बाहर जो दिखता वही तो जान सकता है। अब यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई नहीं था, हम लोग बल्कि जिस दिन दुर्गा पूजा का निकल रहा था उस दिन हम लोग बैठे बात ही कर रहे थे सब लोग, और कोई ऐसा मसला नहीं था। अगर ऐसा मसला होता तो वो भी अपना इंतजाम करते कि भैया दुकान बढ़ा लो या घर के अंदर चले चलो, ऐसा कोई मसला ही नहीं था। ये तो अचानक हुआ है, अचानक बाहर क्या पोजीशन रही है, क्या मामला रहा है ये नहीं जान सकते। इसमें हिंदू जो है ज्यादा है मुसलमान है इस कस्बे में? इस कस्बे में मुसलमान ज्यादा है। मुसलमान ज्यादा है तो हिंदू इतने कैसे आ गए? बाहर के थे हिंदू, यहाँ का एक भी बच्चा नहीं था, बाहर जो लोग थे बाहर। तो ये यहाँ तक इजाजत किसने दी थी? अब पुलिस प्रशासन ने दी। ये उस दिन ज्यादा मामला नहीं हुआ था। मामला हुआ जिस दिन उसकी बॉडी लेके आए बहराइच से, उस दिन 4-5 किलोमीटर वो पद यात्रा किए वहाँ से तहसील के उस पार से, और आगे जो पुलिस थी करीब PSC थी, जवान थे और CO वगैरह सब लोग थे, वो आगे अभी 15 लोग चल रहे थे और पीछे से ये भीड़ चल रही थी। अगर वो ना बॉडी ना आती तो ये मामला ही नहीं होता। अगर वहाँ पुलिस जो है सबको रोक देती तो ये मसला ही नहीं होता, दोनों पक्षों को बैठा के मामला खत्म करवा देते। ये हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने जानबूझ के किया है। अब जो फुटेज आई है, जो चीज आई है तो अभी देख ही रहे हैं, उसमें कहीं कोई बच्चा दिख रहा है कहीं भी किसी को? सब अंदर थे। ऐसा ही ये फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल में कोई भी मुसलमान का बच्चा निकलता नहीं घर। अच्छा, मोहम्मदी वाले जो जुलूस होता है आपके यहाँ भी निकलता है जी? उस समय कोई तनाव होता है? कुछ नहीं, कोई नहीं। पहली बार ऐसा? पहली बार ऐसा। कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ पर कभी दंगा हो सकता है? बवाल भाई, यहाँ के लोग धंधा करते हैं, छोटा बड़ा धंधा जो भी जिस लायक है वो धंधा करता है। धंधे वाले लोग कभी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होते। अब ये बाहर के लोग, वहाँ क्या परिस्थितियाँ बनी, कैसे क्या हुआ, जो मौजूदा फुटेज है या लोगों की बातें जब सुनेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ के लोगों में ऐसा कुछ था नहीं। ये यहाँ का लोकल का था कि वो भी कहीं दूर? नहीं नहीं, वो 3-4 किलोमीटर आगे रहुआ मंसूर गांव पड़ता है, वहाँ का। यहाँ कैसे आ गया? अब वहाँ मूर्ति शायद आने लगी है वहाँ की, इसमें 13-14 गाँव की आती है यहाँ। अच्छा। ये पहले एक दो गाँव की थी, जो 3-4 गाँव हुए बढ़ती चली गई, तो 13-14 मूर्ति हो गई। अच्छा, छत पर कैसे चढ़ा, ये नहीं सोच पा रहे हैं? बगल के घर में, बगल का घर जो है वो एक तिवारी जी का है, अब्दुल हमीद के घर के बगल का घर तिवारी जी का घर, उस घर पे चढ़े थे। तिवारी क्या करते हैं? वो गाड़ी वाड़े रखते हैं, कुछ किराए पे चलाते हैं, मजदूरी करते हैं सब। अच्छा, यहाँ गबीर मुसलमान गरीब है या अमीर है और हिंदू? अब हिंदुओं का धंधा बड़ा, हिंदू ज्यादा है, हिंदुओं का धंधा बड़ा, ज्यादातर होलसेल का काम उन्हीं का है और मेन मार्केट में सब उन्हीं की दुकान है। घर यहाँ कहाँ है आपका? जी, हमारा घर यहीं करीब। ठीक है, शुक्रिया। कुछ और पूछे मैं गर्म भी? धंधे का कोई होगा, दंगे का कोई मसला नहीं होता। कब नौजवान भड़क जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जान सकता। अब तेजी से जाते लड़के, जोश में कर जाते, चाहे हिंदू का मुसलमान मसला हो जाए मुसलमान। लेकिन यहाँ जो दंगा हुआ उसके यहाँ के जो मानिंद लोग हैं उन्होंने उस पर हस्तक्षेप किया या नहीं? वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था,
तो अपने अपने घर पे थे। नहीं, हिंदू मुसलमान उसके बाद वो शांति हुई कि नहीं? बाद में ये मसला बढ़ने लगा तो डर होता है, घर ऐसी चीज होती है, लोग किनारा कसने लगते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनकी कोई जो नौजवान लड़का बात नहीं मानता, अगर समझाने भी आओ उस वक्त वो नहीं मानेंगे, जब खुद पे पड़ेगी समझ में आ जाता है। अब ये तो हम नहीं देखे, जिस दिन रात में ये मामला हुआ था उस दिन 4:15 बजे मूर्ति विसर्जन खुद करवाए थे, थे और विधायक जी थे और 4-5 लोग 10 लोग करीब जो समिति के लोग होते थे दुर्गा पूजा, वो लोग वो सब 4:15 बजे रात में वो विसर्जन करा था, हमने खुद देखा था। अच्छा, अर्पित श्रीवास्तव का कैसे इसमें रोल आया? जो ये वहाँ का मामला है, जो वहाँ हम पार्टी गई थी वहाँ से जब यहाँ आया है तहसील पे, अब यहाँ पे क्या हुआ आपस में, क्या वही लोग अब जो मीडिया के जरिए हम सुने, देखा तो है नहीं, तो अब वही जो हुआ होगा वो हुआ होगा। अब यहाँ गांव की थोड़ी बहुत कहानी से जानने में आ जाता, बाहर क्या हुआ तो बाहर लोग जाते नहीं तो क्या पता। ठीक है भाई, आप आपस में क्या मामला रहा होगा भाई, तो ये राजनीतिक पॉलिटिक्स मामला है, उसमें क्या कर सकते। आपके घर में अगर कोई आदमी झंडा लेके चढ़ जाए तो हम मजबूरी हमारे पास जो कुछ हो हिसाब से अपन अपन हथियार चलेबे जरूर करेंगे ना, जरूर करेंगे। तो इसमें इस पूरे मामले में गलती उनकी नहीं है, यही कहना चाहते हैं हम। अब हम बिल्कुल मौके पर हैं, जो हमें समझ में आवा देखिए हम जान पाए। सुखई नाम है? सुखई में कहाँ रहते हैं आप? इतने डिगवा डिगवा में, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अच्छा ठीक। तो मैं हूँ तुलती के कुमार सावित, अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार सावित को इजाजत दीजिए।